आपसे तो मैं सुन है जी ने तत्व बना दिया वो आपने ज्वाइस लग रहा है जो बाबू आज बनारस क्लब का जो वार्षिक चुनाव हो रहा है उसमें रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में सर किस तरीके का चुनाव है और कितना इम्पोर्टेंट है ये वाराणसी की वजह से? ये वाराणसी का एक बहुत ही प्रतिष्ठित क्लब है बनारस क्लब, काफ़ी पुराना क्लब है जो बनारस की पुरातन संस्कृति को दर्शाती है, बहुत सारे संभ्रांतों के से जुड़े हुए हैं। इसका हर वर्ष इसके AGM का चुनाव होता है जो इसके कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनका ये वार्षिक चुनाव। कितने लोग खड़े हैं इसमें? इसमें 7 लोगों के पैनल निर्वाचित होना है जिसके लिए 9 लोग। और सर इस क्लब में कितने सदस्य हैं? कुल 1443। ठीक है। और सर किस तरीके से चुनाव में वोट की प्रक्रिया होती है? क्या वोटिंग का वो सिंपल प्रोसीजर है कि नोड्यूज क्लब से प्राप्त करने के बाद क्लब का कोई भी मेम्बर बाहर उन्होंने कैंप लगाया है वहाँ वो अपना नोड्यूज प्रोड्यूस करता है तो उसे हॉल टिकट मिलता है, हॉल टिकट इस काउंटर पर आकर वो दर्शाएगा तो यहाँ से उसे एंट्री मिलेगी, यहाँ से बैलेट इशू होगा। बैलेट इशू होने के बाद जो सिंपल प्रक्रिया है वो अपने केबिन में जाएगा, बैलेट पेपर पर अपने प्रेफरेंस से टिक करेगा और बैलेट बॉक्स में। अपना परिचय दे दीजिए। मैं अशोक कुमार गुप्ता हूँ, यहाँ का कोई 35 साल पुराना मेंबर। सर क्या इतिहास है इस क्लब का और कितना क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये बनारस के लिए? देखिए ये बनारस के एलीट क्लास का 100 साल से पुराना क्लब और यहाँ पर फैमिली के साथ हम लोग आते हैं, इट्स लाइक वन फैमिली। बहुत पुराना है और इसकी मेंबरशिप समय के साथ साथ बड़ी स्केयर हो गई, बड़ी मुश्किल से मिलती है। पहले तो यहाँ पे बैलेट बॉल सिस्टम का अब लोकतंत्र है, अच्छा भी खाने देना पड़ता है, अच्छी जगह बैठने के लिए, परिवार के लिए, हेल्थ के लिए स्विमिंग पूल है, जिम है, सुबह टहलने आइए, रात में देर तक अपना करिए।